हेलो फ्रेंड्स, क्या रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस से खेलते हुए नजर नहीं आएंगे? क्या केएल राहुल भी लखनऊ सुपर जायंट्स को छोड़ देंगे? और ऋषभ पंत का क्या होगा? क्या वो दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करते रहेंगे? इसके बारे में आज डिटेल से बात करेंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और रवीश बिष्ट वन मेरी इंस्टाग्राम आईडी, उसमें आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आईपीएल के लिए तो काफी वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले ही सरगर्मियां तेज हो गई। और ये सरगर्मियां इसलिए तेज हुई क्योंकि सूर्य कुमार यादव को इंडिया की टी20 टीम का कप्तान बना दिया गया। पहले माना जा रहा था कि हार्दिक पांड्या उनको जो है कप्तान बनाया जाएगा टी20 टीम का, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप में वो भारत के उप कप्तान भी थे और 50 ओवर वर्ल्ड कप की बात की जाए तो वहां भी वो टीम इंडिया के वाइस कैप्टन ही थे, और उससे पहले वो इंडियन टीम को लीड भी कर रहे थे टी20 आईस की, जहां तक बात है। तो ये माना जा रहा था कि यूनैनिमस च्वाइस होंगे हार्दिक पांड्या, आराम से वो कप्तान बन जाएंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गया और सूर्य कुमार यादव जो है दोस्तों वो कप्तान बन गए भारत की टी20 टीम के। अब यहां से कहानी ये शुरू हो रही है कि ये माना जा रहा है क्योंकि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कप्तान है तो अब सूर्य कुमार यादव तो टीम इंडिया के कप्तान बन गए, और क्योंकि अगले साल मेगा ऑक्शन होना है तो उसमें सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और साथ ही साथ जसप्रीत बुमराह, ये तीनों खिलाड़ी मुंबई इंडियंस को अलविदा कह सकते हैं और हो सकता है कि ब्लू जर्सी में नजर भी ना आए। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये बताया जा रहा है कि मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को भरोसे में नहीं लिया था जब उन्होंने हार्दिक पांड्या को कप्तानी सौंपी थी, और उसके बाद काफी ज्यादा मनमुटाव भी देखने को मिला था। जैसे सूर्य कुमार यादव हो गए, उन्होंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ऐसा पोस्ट किया था जिसमें यह बताया जा रहा था कि वो खुश नहीं है हार्दिक पांड्या को कप्तानी दी गई और रोहित शर्मा से कप्तानी ले ली गई। जसप्रीत बुमराह का भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन था कि टीम में जब सीनियर खिलाड़ी मौजूद थे तो गुजरात टाइटन से हार्दिक पांड्या को क्यों लाया गया। और अब वैसे भी देखा जाए तो रोहित शर्मा जब वहां पे खेल रहे थे और हार्दिक पांड्या कप्तानी कर रहे थे तो कुछ ऐसे विजुअल्स भी सर्कुलेट हुए थे जिसमें रोहित शर्मा के फैंस को भी अच्छा नहीं लगा, और वो कुछ ऐसे विजुअल्स थे जो कि शायद रोहित शर्मा को भी अच्छे ना लगे। हालांकि रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप के दौरान सब कुछ पैचअप किया, सबको अच्छा मिक्स किया। हार्दिक पांड्या जब मुंबई पहुंचे थे तो उनको ट्रॉफी भी पकड़ाई थी, और साथ ही साथ आपने देखा होगा एक विजुअल काफी ज्यादा फेमस भी हुआ था जिसमें वो फोरहेड पे किस भी कर रहे हैं हार्दिक पांड्या के, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हार्दिक पांड्या को ट्रीट किया। लेकिन अब दोस्तों खबर ये आ रही है कि मुंबई इंडियंस के जो सीनियर खिलाड़ी हैं, सूर्य कुमार यादव हो गए, रोहित शर्मा हो गए, और साथ ही साथ अगर हम बात कर ले जसप्रीत बुमराह की, ये तीनों खिलाड़ी जो हैं वो मुंबई इंडियंस को छोड़कर अगले सीजन किसी और फ्रेंचाइज का दामन थाम सकते हैं या ये मेगा ऑक्शन में जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए केएल राहुल की, तो जैसा आप जानते हैं केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान हैं, और उनके साथ ही आपने देखा होगा कि किस तरीके से संजीव गोयनका जो कि ओनर है लखनऊ सुपर जायंट्स के, वो उनके ऊपर भड़क गए थे। उसका जो विजुअल था वो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, लोगों जो केएल राहुल के फैंस उन्होंने बिल्कुल भी इस विजुअल को पसंद नहीं किया था कि कैसे कोई एक ओनर किसी खिलाड़ी के ऊपर इस तरीके से चिल्ला सकता है। कभी भी ऐसा जो विजुअल था, कभी भी ऐसी तस्वीरें थी वो देखी नहीं गई थी भारतीय क्रिकेट में, लेकिन ये तस्वीरें आई थी। उसके बाद हालांकि ये भी बताया गया था कि एक डिनर भी आयोजित कराया गया था केएल राहुल के साथ, पैचअप भी कराया गया था, सब कुछ हुआ था, लेकिन अब केएल राहुल ऐसा लगता है कि हाथ जोड़ चुके हैं। अमित मिश्रा के इंटरव्यू में भी इसके कुछ संकेत मिले, तो केएल राहुल भी दोस्तों में बताया जा रहा है कि लखनऊ सुपर जायंट्स को छोड़ देंगे, अब वो लखनऊ सुपर जायंट्स से आगे कंटिन्यू क्रिकेट नहीं करेंगे, वो भी मेगा ऑक्शन में आएंगे। हालांकि खबर ये भी आ रही है कि आरसीबी जो कि उनकी पुरानी टीम होती थी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, वहां पर जो है केएल राहुल जा सकते हैं और वहां पर उनको कप्तानी दी जा सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि फैफ, क्योंकि एज भी फैफ की उनसे ज्यादा है, तो केएल राहुल बेटर सर्व कर सकते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को, तो वहां जा सकते हैं। ऋषभ पंत के बारे में भी दोस्तों एक खबर आ रही है कि ऋषभ पंत जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल डीसी में महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग की भी विदाई हो गई जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट किया था ऋषभ पंत को, तो ऋषभ पंत भी जो है वो दिल्ली कैपिटल्स का दामन छोड़ सकते हैं। और ये बताया जा रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स को एक अटैकिंग कप्तान की जरूरत है, वो ऋषभ पंत उस कमी को पूरा कर सकते हैं। तो वो अगर जाते हैं मेगा ऑक्शन में तो उनको चेन्नई सुपर किंग्स खरीदने की पूरी कोशिश करेगी, या ये भी हो सकता है कि खैर ट्रांसफर तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है कि बिल्कुल उनकी तरफ ही जो है उनका रुझान रहे और उनके ऊपर जो भी बोली लगानी पड़ सकती है वो चेन्नई सुपर किंग्स लगाएगी। तो ये कुछ बदलाव जो है दोस्तों हमें नजर आ सकते हैं इस बार के आईपीएल ऑक्शन में, और हम देख सकते हैं कि जिन खिलाड़ियों को हम कभी एक ही फ्रेंचाइज के साथ खेलते हुए देखते थे वो अब बदली हुई जर्सी में नजर आएंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, कॉमेंट सेक्शन पर जाकर कॉमेंट जरूर करें।